खोराबार थाने की पुलिस ने टप्पेबाजी व चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को बुढ़िया माता मंदिर गेट के पास कुसमी जंगल जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अरविंद डोम पुत्र राजेंद्र निवासी लाल डिग्गी पार्क थाना राजघाट जिला गोरखपुर, दूसरा अर्जुन बांसफोड़ और जरलहवा पुत्र छोटेलाल, तीसरा मंगरू डोम पुत्र राजेंद्र निवासी गढ़ लाल डिग्गी पार्क थाना राजघाट जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 2 सोने का मंगलसूत्र, 1 सोने का जीवतिया का लॉकेट, 2 सोने का कान का टफ, 2 सोने का कान की झुमकी को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए व्यक्तियों से कुसमी बाजार व अन्य स्थानों पर हो रही चोरियों के विषय में पूछा गया तो बताया कि साहब हम लोग घूम फिर कर यह पता कर लेते हैं कि कहां कहां किस दिन बाजार लगती है या भीड़भाड़ रहती है, वहां पहुंचकर हम गांव की महिलाओं को अपना निशाना बनाते हैं तथा उन्हें लालच देकर अथवा गहने व रुपये चोरी होने का भय दिखाकर महिलाओं को गहने व रुपये सुरक्षित रखने के लिए कहते हैं और वो हमारी बात मानकर गहने व रुपये एक स्थान पर छिपा लेती हैं, जिसे हम देख लेते हैं और मौका पाकर उसे चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। आज फिर हम लोग इसी उद्देश्य से आए थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। हम तीनों ने मिलकर जून महीने में कुसमी बाजार के पंजाब नेशनल बैंक के अंदर से एक महिला को कागज़ की गड्डी थमाकर धोखे से उसके 50,000 रुपये चुरा लिए थे। उन्होंने बताया कि तीनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक आशुतोष कुमार राय, हेड कांस्टेबल हरेंद्र प्रसाद, अशोक सरोज, कांस्टेबल अनिल यादव, कृष्णा कुमार दुबे शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज 2 टप्पेबाजी की गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एक थाना कैंट अंतर्गत, दूसरा थाना खोराबार के अंतर्गत। थाना खोराबार के अंतर्गत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो टप्पेबाजी में शामिल होते हैं। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडे इस प्रकार है कि वो किसी भी शनिवार या शुक्रवार या जब भी कोई बाजार लगता है तो बाजार में ये भोले भाले लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं एवं उसको बाद में साइड में ले जाके उनको पागल बनाते हैं। साथ में महिलाओं की भी गैंग होती है इनके, उनको भी आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कि कौन महिलाएं हैं। उसके बाद में ये लोग सब्जी के बहाने साथ में बैठ के उससे बात करते हैं या फिर साइड में ले जाते हैं। साइड में ले जाने के बाद उनको बहला फुसला कर उनसे गहना ले लेते हैं एवं बाद में आगे पुलिस की चेकिंग का बहाना बता के वहाँ पे ये लोग गहना का अदला बदली कर लेते हैं और फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस प्रकार के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, परवीन डोम, अर्जुन बांसफोड़ और मंगरू डोम। इनके पास से 2 मंगलसूत्र के लॉकेट, 1 जूतिया का लॉकेट और 2 कान के सोने के टॉपस और 2 अदद कान की झुमकी, सभी सोने का सामान जो है वो बरामद किया गया है एवं जितनी भी घटनाएं हैं इनके द्वारा पूर्व में की गई 3 घटनाएं की गई है, तीनों घटनाओं का सफल अनावरण आज थाना खोराबार द्वारा किया गया। ये इसका मास्टरमाइंड नहीं, इनका गैंग है, ये साथ में काम करते हैं, महिलाएँ भी हैं और इसमें 3 पुरुष हैं। तीनों पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं, महिलाओं की दबिश दी जा रही है और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये थाना खोराबार क्षेत्र के और पिपराई क्षेत्र के रहने वाले हैं और वहीं से आते थे, हर बार खोराबार के ही जगदीशपुर क्षेत्र में ये घटनाएं करते थे। थैंक यू।